अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। सभी पंचायत में कक्षा 9 तक की पढ़ाई शुरू करना बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार का पैमाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3304 पंचायतों में कक्षा 9वीं की पढ़ाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज बिहार उस स्थान पर हो गया है जहां राज्य के हर पंचायत में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू हो गई है। यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। बिहार चुनाव 31 अगस्त से चुनावी मैदान में कूदेगी कांग्रेस। राहुल और प्रियंका संभालेंगे कमान। कोरोना महामारी के बीच बिहार में चुनावी तैयारी ने जोर पकड़ लिया। फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां नए नए तरीके अपना रही। अब कांग्रेस ने भी 31 अगस्त को चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर ली है। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दी। वर्चुअल मीटिंग रहेंगे राहुल और प्रियंका। राजेश राठौर ने बताया कि कांग्रेस वर्चुअल मीटिंग के जरिए 31 अगस्त से चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने मतदाताओं से सीधे जुड़ने के लिए 125 से ज्यादा वर्चुअल रैली का ऐलान किया है जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी बरकरार। दिल्ली में तेजस्वी ने की मुलाकात। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना से उबरने के बाद भी अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान दो दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह की पार्टी से नाराजगी बरकरार है। आरजेडी ने तेजस्वी का चेहरा हटाया। लालू राबड़ी की जोड़ी पर जताया भरोसा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव का चेहरा पीछे कर दिया है। आरजेडी ने तेजस्वी के बजाय पोस्टर पर लालू और राबड़ी की जोड़ी को ही तरहीज देने का फैसला किया है। आरजेडी कार्यालय को चुनाव से पहले नया रंग रूप दिया जा रहा है और यह पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो भी देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, कहा सुशील मोदी ने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। इसको लेकर बिहार बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुटकी ली है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को पद दिए जाने की चर्चा पर सुशील मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। पटना में अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सोमवार को यानी आज स्वर्गीय अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार सरकार की ओर से कंकड़बाग पीसी कॉलोनी में अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने 3304 स्कूल भवनों का किया उद्घाटन। सीएम बोले, हमारा लक्ष्य हर बच्चों को पहुंचाया जाए स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय से विहीन 3304 पंचायतों में शैक्षिक सत्र 2020-21 नौवीं कक्षा का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए। इसके साथ इन स्कूलों में निर्मित भौतिक संरचनाओं और शिक्षा विभाग की ओर से पटना में बनाए गए विभिन्न भवनों का भी उन्होंने उद्घाटन किया। नक्सलियों ने मंदिर के पुजारी को किया अगवा। 10 की संख्या में आए थे नक्सली। नक्सलियों का आतंक जारी है। अब नक्सली मंदिर के पुजारी को अगवा कर रहे हैं जिसके बाद हरकंप मच गया है। यह घटना लखीसराय के कजरा थाना क्षेत्र की है। 10 की संख्या में आए थे अपराधी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि श्रृंगी ऋषि धाम मंदिर के पुजारी नीरज झा को नक्सली अगवा कर ले गए। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी के लिए आयोग सभी जिले के डीएम से कर रही मीटिंग। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना को लेकर आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस और मौजूदा परिस्थितियों के बीच जमीनी स्तर पर तैयारी की समीक्षा के लिए आयोग ने आज खास बैठक बुलाई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में सभी जिलों के DM बैठक में शामिल हो रहे हैं।
पुलिस ने अररिया में 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा। नेपाल, बांग्लादेश और भारतीय नोट के अलावा एटीएम भी मिले। अररिया नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के बसमतिया ओपी पुलिस एवं एसएसबी 56वीं बटालियन के जवानों ने रविवार की संध्या गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमांकन पिलर संख्या 197/3 के समीप 3 बांग्लादेशी नागरिकों को जाँच के क्रम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में बताया गया कि वे लोग बांग्लादेश से मजदूरी करने के लिए पड़ोसी देश नेपाल जा रहे थे। उसके पास से बांग्लादेश, नेपाल और भारत के रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही एटीएम व मोबाइल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार तीनों को बसमतिया ओपी में कागजी कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में अपराध नियंत्रण के लिए गुंडा परेड की कार्रवाई जिले के सभी थानों में। भागलपुर जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रविवार को गुंडा पंजी का सत्यापन किया गया। इस दौरान जिले के सभी थानों में गुंडा परेड की कार्रवाई की गई। भागलपुर में पठन पाठन का तरीका बदला, डिजिटल हो गई पढ़ाई। भागलपुर स्क्वाड हेल्प की ओर से कोरोना महामारी का शिक्षा पर प्रभाव और रणनीति विषय पर रविवार को वेबिनार हुआ। इसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता आईजी स्पेशल बच्चू सिंह मीना ने कहा कि जीवन को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। हर कोई समस्या को अवसर में बदलने की कोशिश करे। बच्चों में अपार संभावनाएं हैं, वो इस कठिन समस्या से उभर कर बाहर आएंगे। कोरोना वायरस ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ बच्चों के भविष्य पर भी प्रभाव डाला है। पठन पाठन में बदलाव हुआ है, डिजिटल से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो रही है, लेकिन इस कठिन दौर से देश के भविष्य बाहर निकलेंगे। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी अरुण। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। भागलपुर कैंप जेल में बंद सजावार बुजुर्ग कैदी की इलाज के दौरान मौत। विशेष केंद्रीय कारा में बंद सजावार बुजुर्ग कैदी की मायागंज स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 75 वर्षीय कैदी लालू राय की रविवार की सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विशेष केंद्रीय कारा के अधीक्षक मनोज कुमार ने कैदी को कोरोना संक्रमित नहीं होने की बात कही। उन्होंने कैदी की मौत की जानकारी उसके परिजन समेत न्यायालय और जेल आईजी को दी। मृत कैदी पटना के दीघा का रहने वाला था। बिहार में 15 वर्षों से सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड ने जदयू की उपलब्धि डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला देश का पहला राजनीतिक दल की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जदयू ने अपना एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म jadulive.com बना लिया है। सार्वजनिक संगठन संस्थान या एक राजनीतिक दल के रूप में पार्टी ने इस उपलब्धि के साथ ही भारत की डिजिटल यात्रा में मील पत्थर गाड़ दिया है। इसके सहारे जदयू को संवाद करना और आसान हो जाएगा। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।